हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। सर आज तो बहुत ही ज्यादा कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। आपको मिला के 9 हुए हैं। हाँ, चैप्टर अब कम बचे हैं ना, तो बच्चों को लग रहा कोर्स तो हो गया, तो अब मजे करो। कोई नहीं, आ जाएंगे बाकी लोग भी थोड़ा बहुत देर में। तो आज हम लोग जो करने वाले थे, ग्रेविटेशन करने वाले हैं और साउंड वाला चैप्टर जो हमारा वो करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ग्रेविटेशन देख लेते हैं। छोटा चैप्टर था और ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इसके टफ नहीं है। कैलकुलेशन बड़ी है थोड़ा, पॉइंट वाले डेसिमल वाली, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल इसके ईजी हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशन। सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, एंड आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके 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 ओके। तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर जो देखा था, इसमें न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ देखा था। तो उसमें जो फोर्स था प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। यस सर। F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर आया था हमारा। ठीक है, जी हमारा जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था और जी की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी? ध्यान है सबको? यस सर। कितना आया था? 10 to the power minus 11। टेन टू पर माइनस 11 आया था। यूनिट क्या है? अच्छा चलो यूनिट बताओ, यूनिट क्या आएगी सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी। केजी स्क्वायर, क्योंकि ये केजी केजी हो जाएगा ना। यस सर। सर केजी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आई थी। दिस वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। आपका जो जी है, आप चाहे दो मास के बीच में कोई मीडियम अलग हो या कुछ भी हो, तो वो डिपेंड नहीं करता है कि उसके बीच में कौन सा मीडियम है, क्या है, तो सेम रहता है। तो ये कांस्टेंट है एक तरह का। ठीक है। यस। ओके, दूसरा यहाँ पे हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ? मैंने फॉलो क्यों करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को? ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्यों, कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि फोर्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है ना, आर स्क्वायर है। यस। तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टू सेंटर्स, सेंटर ऑफ टू बॉडीज, टू बॉडीज। तो यहाँ पे लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, तो पॉइंट मास की बॉडी होनी चाहिए या फिर स्फेरिकल बॉडी होगी? यस सर। तो हम सेंटर टू सेंटर ले सकते हैं, लेकिन अगर मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आ गया कोई, तो फिर हम सेंटर टू सेंटर लेंगे तो गलत हो जाएगा। यस सर। सर फिर सीधा डिस्टेंस लेते हैं उनके बीच का। कौन सा, ये वाला? नहीं, उससे भी नहीं आएगा। सर ये वाला उससे भी नहीं आएगा, उससे भी नहीं आएगा। इसको हम एक्चुअली फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो आप 11th क्लास में देखोगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो पॉइंट मास होना चाहिए हमारा, और ये हमारा स्फेरिकल सिमेट्रिक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले सकते हैं। तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। अब अगर हमारा यहाँ पे डिस्टेंस डबल होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? सर 1/4 टाइम्स। 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। फोर्स को ट्रिपल करोगे तो 1/9 हो जाएगा। तो yes. इसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये हमने देखा था। आई थिंक ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमने जी के बारे में पढ़ा था, वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, क्या बोलते हैं इसको? यस सर। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, फोर्स थोड़ी है ये।
एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी है ना, क्योंकि इसकी आप यूनिट जब लिखते हो तो एक्सेलरेशन की यूनिट लिखते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि अर्थ है वो किसी मास को अगर आप देखोगे तो उसके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू जी, मान लो बॉडी का मास एम है, अर्थ का मास एम ई मान लेते हैं, तो स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ई बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है। आपको पता है जब बॉडी नीचे गिरेगी तो उसमें एफ इक्वल टू एम ए लगा सकते हो, तो इक्वल टू एम इंटू ए कर सकते हैं हम। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपका जो ए आएगा वो जी एम ई बाय आर स्क्वायर आएगा, तो इसी को हम स्मॉल जी बोलते हैं। तो जो स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी एम ई बाय आर स्क्वायर होता है। तो जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, आर आपका हो सकता है लेकिन चेंज हो, तो अलग अलग डिस्टेंस पे जी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जो सरफेस पे जी की वैल्यू होती है पोल पे ज्यादा होगी। हाँ वो तो हम अर्थ के उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम हाइट के बारे में डिस्कस करें तो सरफेस पे जो जी का वैल्यू होगा वो 9.8 होगा, और जब आप इससे ऊपर जाओगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कम होगा या बढ़ेगा? सर कम, सर कम, सर कम होगा, क्योंकि आर स्क्वायर है अपॉन में। यस सर, आर अगर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा, तो यहाँ जी का वैल्यू कम होता जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं हम, और ये वेरी करता है अलग अलग जगह पे। ये हमने अर्थ के सरफेस पे निकाला, अगर आप मून के सरफेस पे निकालोगे तो मून का मास लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप लिखोगे जी मास ऑफ मून। तो हम जब मून के सरफेस पे निकालते हैं तो बाकी फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, जो फोर्स उस पर अर्थ से लग रहा होगा इस बॉडी पे, इस बॉडी पे अर्थ पे भी फोर्स लग रहा होगा, सन से भी लग रहा होगा, जो बॉडी यहाँ पे मान लो इस पे अर्थ से भी लग रहा होगा, सन से भी लग रहा होगा, औरों से भी लग रहा होगा, लेकिन जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ से लग रहा होगा, मून से, क्योंकि मून के बहुत पास है। तो जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो मून का होगा, तो हम बाकी फोर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं इस पे जो फोर्स है उसको लिखते हैं जी मास ऑफ मून इनटू मास ऑफ द बॉडी बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको एम इंटू ए कर सकते हो, तो एम से एम कट जाएगा फिर दोबारा, तो जी ऑन द मून सरफेस जो आएगा वो जी इंटू मास ऑफ द मून बाय आर स्क्वायर आएगा। तो मून का जो आर है वो डिफरेंट होगा, मून का मास भी डिफरेंट होगा, तो आप जी का वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। तो ये जो आता है वैल्यू कितना आता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, जी बाय सिक्स आता है, अगर इसको जी ई माने तो वहाँ पे जो वैल्यू आता है वो जी बाय सिक्स आता है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो किसी भी प्लेनेट पे अगर हमें उसका मास पता है और हमें उसका रेडियस पता है तो हम जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसके सरफेस में। यस सर, कर सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन कई सारे होते हैं कि मान लो कोई प्लेनेट है उसका मास अर्थ से डबल है, रेडियस हाफ है, तो जी का वैल्यू कितना होगा, या मास ट्रिपल है, ये है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर डेंसिटी बोल सकते हैं कि डेंसिटी हमारी डबल है ट्रिपल है, तो उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो मास को, आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो, तो 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी कर सकते हो बाय आर स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा ये आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो 4/3 पाई जी आर रो ये बचेगा। तो अगर आप को डेंसिटी वगैरह दिया उसने कि डेंसिटी डबल है, रेडियस हाफ है, तो इस ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट एनी प्लैनेट और ऑन द सरफेस ऑफ द मून और द अर्थ, तो कहीं पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके 11th क्लास में, आप देखोगे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ग्रेविटेशन चैप्टर आप 11th में पढ़ोगे। और ये भी है सर, ये भी शायद क्वेश्चन आता ना कि श्रिंक हो गया सन की सरफेस, तो अब उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। बिल्कुल वो क्वेश्चन भी सर, मास कांस्टेंट होगा। हाँ तो वो भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ठीक सर, वहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं सर, मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि सरफेस कम हो गई है उसकी, पर सेंटर से डिस्टेंस सेम है। हाँ तो अगर नॉर्मल केस होगा, मान लो कि आपने पहले यहाँ पे जी का वैल्यू निकाला और फिर वो श्रिंक हो गया और फिर दोबारा आपने जी का वैल्यू निकाला, तो जी का वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि जी का वैल्यू जो होता है वो जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। सेंटर पे डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। एम एम सेम है इसका प्लेनेट का और आर सेम है अपर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो जी का वैल्यू सेम रहेगा। तो अगर प्लेनेट श्रिंक भी कर गया और आपने जी यहाँ पे निकाला तो वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके सर, किसी डेप्थ पे या हाइट पे चेंज होती है?
डेप्थ और हाइट पे चेंज होती है। तो ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। राइट। उसकी वजह से अभी हम जद ने बोला कि डेप्थ और हाइट पे चेंज होती है, तो हम डेप्थ पे निकालें इसका जी का वैल्यू। तो जो डेप्थ पे जी का वैल्यू आता है, मान लो यहाँ पे जी का वैल्यू जी नॉट आ रहा है, तो जो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आप जाओगे, मान लो डी डेप्थ पे, जी का जो वैल्यू आएगा वो आता है जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर, 1 माइनस डी बाय आर आता है। डी इज द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है डी बढ़ने के साथ साथ, है ना। अगर डी बढ़ रहा है तो जी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, राइट। यस सर। अच्छा, और अगर डी का वैल्यू इक्वल टू डी आर हो जाए तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर जीरो। ये कौन सा केस है डी इक्वल टू आर, मतलब कहाँ पे हो आप? सर मतलब जितनी रेडियस है किसी चीज की सर उतनी। मतलब उसके सेंटर पे आ गए आप, यस सर। है ना। डी आर होने का मतलब सेंटर पे आ गए उसके, मतलब ने टनल डिग करी और डी यस इक्वल टू आर, सर। तो सेंटर पे अर्थ के जो है जी का वैल्यू जीरो होता है। या किसी भी प्लेनेट पे जी का वैल्यू सेंटर पे उसके वैल्यू जीरो आता है। यस सर। ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर हमने डिग कर दी टनल उसके सेंटर पे, तो अगर आपको हम सेंटर पे खड़ा करते तो आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि हाँ, तो उसमें जीरो आंसर आएगा कि जीरो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, बिल्कुल। रेडियस तो जीरो हो गया ना। यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे, हाँ बोल सकते हो रेडियस जीरो हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फोर्स होता है हर जगह से बराबर लग रहा होता है, सब तरफ से, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका ये वाला मास भी आपको खींच रहा है, ये वाला मास भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो सारे मास आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो सब तरफ से फोर्स लग रहा है आप पे, तो नेट फोर्स इज जीरो, दैट्स व्हाई, राइट। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू हमारा वो होता है, मतलब घटता है और घट के जीरो हो जाता है। अगर आप वैल्यू बनाओगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो डी इक्वल टू आर पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जी नॉट है। और ये तो हुआ डेप्थ के साथ फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप हाइट पे जाते हैं तो भी जी का वैल्यू घटता है, और वहां पे फॉर्मूला क्या होता है आपका? अगर यहाँ पे जी नॉट है, यहाँ पे जी है, तो फॉर्मूला क्या होता है? एच हाइट, सर आर प्लस एच हो जाती है, जी इक्वल टू जी नॉट क्या होता है? आर की वैल्यू घट रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज होगी हाँ, लेकिन फॉर्मूला क्या आएगा एग्जैक्ट? सर। जी नॉट सर अपॉन आर प्लस आ जाएगा सर हाइट। सर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बस इतना या कुछ और भी? सर इतना ही होगा। यस सर इतना ही आएगा। नहीं, देखो जब भी कोई फॉर्मूला होता है ना, दोनों तरफ उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलेरेशन की यूनिट आ रही है, राइट हैंड साइड में एक्सेलेरेशन डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आ रहा है, यस तो अब ये तो फॉर्मूला फिर सही नहीं बना। डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। यस डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जब ड्राइव करोगे आप 12th 11th क्लास में, तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आएगा, जी इक्वल टू जी नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, सर। यस सर। इसको ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर मैं आर स्क्वायर को अपॉन में लिया हूं तो ये 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, और इसको जब आप यस बाइनोमियल थ्योरम एक होती है उसे एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा जी नॉट 1 माइनस 2h बाय r। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये तब वैलिड होता है अगर h आपका काफी कम है एज कम्पेयर टू आर के। और ये फार्मूला जो है इन जनरल वैलिड होता है, चाहे आर एच कम हो या बड़ा हो, कुछ भी हो, ये फार्मूला हमेशा वैलिड होता है। लेकिन ये केवल वैलिड होता है अगर एच आपका काफ़ी छोटा है। तो ये दो दो फार्मूले हमारे पास एच के लिए, डी के लिए एक ही फार्मूला है और ये हमेशा वैलिड है, आर के लिए दो फार्मूले हैं, एच के लिए दो फार्मूले हैं, जिनमें से एक कम हाइट के लिए है और एक नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए। इज इट क्लियर सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, मास और वेट में क्या डिफरेंस हमने पढ़ा था जो?
मास क्या होता है और वेट क्या होता है? सर मास जो है सर हर हर प्लैनेट का सर सेम रहेगा, और वेट जो है चेंज होगा ग्रेविटी के हिसाब से। सेम रहेगा, ये चेंज हो जाएगा ग्रेविटी के साथ, ठीक है। मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी है, यस सर। और सर एक्चुअल मास यस क्वांटिटी हाँ वेट क्या है? mg सर, फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स एक्सपेरिमेंट टू ग्रेविटी। मैटर कंटेन इनसाइड द बॉडी, और ये फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी किसी के कारण भी हो सकती है, मतलब कि अर्थ के कारण भी हो सकती है, मून के कारण भी, या किसी और प्लैनेट के कारण भी ग्रेविटी हो सकती है। तो हम बोलेंगे वेट ऑन द मून, वेट ऑन द अर्थ, सब अलग अलग होंगे। जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ वेट ज़्यादा फील होगा, जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ वेट कम फील होगा। मास की जो यूनिट होती है क्या होती है? केजी, केजी। और इसकी वेट की? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन है यस ना, सर। फोर्स है तो वी कैन राइट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। तो वेट आपका जो होता है उसको हम फोर्स में नापते हैं, तो वो आपका फोर्स है। उसके अलावा एक कुछ और यूनिट भी हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स, तो ये भी जो है वेट की यूनिट है। तो 1 kg फोर्स होता है जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे अर्थ फोर्स लगाएगी, उसको 1 kg फोर्स बोलते हैं। तो कितना फोर्स होगा ये? 1 किलोग्राम की बॉडी पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी? 9.8 न्यूटन। एम इंटू जी करोगे तो 9.8 न्यूटन आएगा। तो सर। बिल्कुल सही है, 9.8 न्यूटन आएगा। और 1 ग्राम की बॉडी पे अगर आप देखोगे तो 9.8 डिवाइड बाय 1000 हो जाना चाहिए। सर 0.01 न्यूटन। है ना, तो इसको हम एक्चुअली डाइन में लिख देते हैं फिर। तो 1 न्यूटन आपने कल पढ़ा था, कितने डाइन होता है 1 न्यूटन में? 10 to power 5। 5। तो ये डाइन में आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं 980 डाइन। अगर काटोगे 2 पावर बचेंगी आपकी। तो 1 ग्राम फोर्स को ऐसा लिखा रहता है यस और सर। 1 kg फोर्स को ऐसा लिखा रहता है। तो ये भी हमारी यूनिट ऑफ वेट है, ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं इनको, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द वेट। ओके, इज इट क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि अर्थ का भी जो सरफेस, हमने हाइट और डेप्थ की तो बात की, साथ में अर्थ जो है बल्ज शेप में है थोड़ा सा, तो उसकी जो ये वाली रेडियाई है वो थोड़ा बड़ी है, पोलर रेडियाई इसे बोलते हैं, और यस सॉरी सर। पोलर नहीं है, इक्वेटोरियल रेडियाई। पोलर नहीं है सर, ये सेंटर का है ना। इक्वेटोरियल रेडियाई जो है यस सर। तभी तो पोलर वाले से बड़ी होती है, इसलिए जी का वैल्यू, पोल स्पेस कम होती है ग्रेविटी जी का वैल्यू पोल पे क्या होता है, कम या ज़्यादा? सर, कम सर ज्यादा। पोल पे ज़्यादा होती है, यस यस सर। सर, कम नहीं होती, ज़्यादा होती है पोल पे, है ना? तो पोल पे जो है ज़्यादा होता है हमारा। एक तो ये फैक्टर रेडियस का, दूसरा इफेक्ट हमारा एक्चुअली रोटेशन का भी होता है, कि जो अर्थ रोटेट कर रही है तो इसकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होती है ना भाई? जैसे मान लो एक फैन है, फैन का ब्लेड है, तो फैन के ब्लेड में ये भी पार्ट घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, तो ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, अंदर वाले की या बाहर वाले की? बाहर वाले की, बाहर क्यों, वाले कैसे ये बोल सकते हो आप? सेम टाइम में वो 2 पाई आर रेडियस कवर करेगा, 2 पाई आर ज़्यादा होगा इसका, ये बोल सकते हो, सर। सर है क्योंकि ना? उसका रेडियस ज्यादा। 2 पाई आर बाई वी टाइम, टाइम तो दोनों का सेम लगेगा, इसका 2 पाई आर कम होगा, तो वेलोसिटी हमारी इसकी ज़्यादा है, ठीक है? तो बाहर वाले की ज़्यादा है v2। ऐसे मैं आपको यहाँ से पूछूँ कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या इस पॉइंट की ज़्यादा होगी, तो किसकी बोलोगे आप? जब घूम रहा है तो इसका रेडिया ये है, इसका रेडिया ये है, सर सेकंड इक्वेटोरियल वाले, नीचे वाले। वाले किसकी ज़्यादा होगी, यस सर। ठीक है? और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट की? जीरो। ज़ीरो। तो यहाँ पे भी रोटेशन कम हो रहा है,
जब रोटेशन कम होता है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है ना वो कम लगता है, जो बाहर की तरफ को फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, यस सर, यस सर, वो कम लगता है। तो वो कम लगने के कारण क्या होता है कि ये अर्थ इसको मैंने ढंग से पकड़ के रख सकती है। अब मान लो कि इस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो क्या होगा, अर्थ उसे पकड़ नहीं पाएगी ढंग से, तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका जी यहाँ पे लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो जी का वैल्यू कम हो रहा है इससे, इसके कारण से, है यस ना। सर, तो जी इफेक्टिव आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, जी माइनस एफ सी, जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो इट इज लेस देन एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी, ये बोल सकते हैं हम लोग यस सर, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा, जी नॉट के बराबर। ये बात क्लियर हुई सबको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या फर्क पड़ा। यस चलो सर, ठीक है, तो कहाँ पे ज्यादा वैल्यू आई, इक्वेटर पे या अर्थ पे, सॉरी पोल पे, पोल पोल पे पे ज्यादा आई। तो दोनों ही जो हमारे रीजंस हैं वो पोल पे ज्यादा जी को फेवर करते हैं, तो कुल मिला के पोल पे हमारी रेडियाई जो होती है वो, सॉरी जी की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको। यस यस सर, ओके, उसके बाद हम लोगों ने सैटेलाइट के बारे में डिस्कस किया था, और प्लान जो कैपिटल ऑफ प्लेनेटरी मोशन है वो सब डिस्कस किया था। तो सैटेलाइट का हमने डिस्कस किया था, सैटेलाइट जब मूव करता है इसका हमें टाइम पीरियड निकालना होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है ना, वो सब चीज़ें निकालनी होती है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मान लो निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वी मान लो, और ये अर्थ है, अर्थ यहाँ पे मान लो इसके चारों तरफ पे घूम रहा है, अर्थ का मास एम मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल एम मान लेते हैं, तो इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, mv² एम वी स्क्वायर बाय आर लगता है, ये आर डिस्टेंस है ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा इसमें जो अट्रैक्ट करेगा इसे, बाय जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो दोनों बराबर होंगे तभी ये बैलेंस रहेगा, नहीं तो ये बाहर चला जाएगा। स्क्वायर यस तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू होगा वी का, एम से एम कट जाएगा, वी का जी एम बाय वैल्यू जी एम बाय आर आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इससे स्पीड से घूम रहा है, तो इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोल देते हैं। तो ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है मान लो इसका, तो क्या करेंगे, 2 पाई आर बाय वी कर लेंगे, यस तो 2 पाई आर बाय वी नॉट रूट जी एम बाय आर कर लेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 पाई रूट जी एम, आर चला जाएगा ऊपर, तो आर की पावर 3/2 आ जाएगी, 1/2 पावर यस नीचे से आएगी और 1 पावर ऑलरेडी है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, यहीं से हमारा कैपिटल लॉ भी ड्राइव हो जाता है। जब यहाँ पे देखोगे तो जी इज कॉन्स्टेंट, मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंट, है ना। सर, यस सर, अगर मान लो कोई सेटेलाइट यहाँ पे घूम रहा होता तो मास ऑफ द अर्थ तो सेम होता, जी भी सेम होता, तो टी क्या होता, प्रोपोर्शन टू आर की पावर 3/2 होता, इससे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू आर क्यूब आ जाएगा। सर, तो ये चीज किसी भी उसके लिए, मतलब जो आपका ऐसा मोशन हो रहा है, जैसे मान लो अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, या प्लेनेट घूम रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, या मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर जो है डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शन होगा, है ना। तो ये हमारा कैपिटल लॉ है। यस कौन सा लॉ है ये कैपिलर का, थर्ड फर्स्ट लो, सेकंड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, पहला क्या था, थर्ड है सर कैपलस का थर्ड लॉ है। फर्स्ट लॉ था हमारा कि जो प्लेनेट हैं वो और ओवल शेप में, सॉरी ओवल्स, इलिप्टिकल शेप में घूमते हैं। यस हाँ एलिप्टिकल शेप में घूमते सर, हैं, तो ये इलिप्स है जिसमें दो फोकी होते हैं जिस कारण से समर और विंटर सीजन बनते हैं। बिल्कुल। तो सन एक फोकाई पे होता है उसके, तो यस सर, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ये जो प्लेनेट हैं दे आर मूविंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड लॉ ने क्या बोला था, सर इक्वल एरिया कवर करेगा, इक्वल इक्वल इंटरवल। एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, लॉ ऑफ एरिया। तो जो ये घूम रहे हैं ये एरिया स्वेप्ट करता है प्लेनेट अपना, मान लो यहाँ से यहाँ तक प्लेनेट आया, तो उसको आप जो जो इसका रेडियस वेक्टर है वो जो एरिया स्वेप्ट करता है, दिस एरिया विल बी इक्वल टू
एरिया कवर्ड इन द इक्वल टाइम इंटरवल, मान लो प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया तो दोनों एरिया बराबर होंगे आपस में, सर। ए वन इक्वल टू ए टू इफ टी वन इक्वल टू टी टू। तो हमारी जो प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, हम बोल सकते हैं एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया स्वेप्ट बाय द वेक्टर। तो एरियल वेलोसिटी मतलब डी ए बाई डी टी या डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, दिस इज कांस्टेंट, दिस रिमेन कांस्टेंट। और थर्ड लॉ तो हमने लिख दिया अभी, इसको लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं दूसरे वाले को। थर्ड आपका लॉ ऑफ टाइम वाला जो है आपका डिस्टेंस, तो उसको क्या बोलेंगे हम कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये कैपलर के तीन लॉ थे जो हमने देखे थे, ये क्लियर है यहाँ से? यस सर, इसका अगर प्रोफेशनलिटी का साइन हटाएंगे तो सर जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे? यहाँ पे कुछ ऐसा आता नहीं है, मतलब बोलते नहीं है कुछ स्पेशल, क्योंकि एक्चुअली ये जो आया है ना ये वहाँ से आया है, ग्रेविटेशन से आपने जब ड्राइव किया है तो वहाँ पे जी भी आ रहा है, वहाँ पे एम भी आ रहा है, और भी चीज़ें आ रही हैं, तो उस कॉन्स्टेंट का कोई नाम हमने रखा नहीं अभी तक कोई ऐसा, ओके सर। क्योंकि वो खुद ही जो कॉन्स्टेंट है दो तीन कॉन्स्टेंट से मिलके बना हुआ है। सर इस लॉ को यस बोलते कैसे थर्ड वाले को? थर्ड वाले लोगों को क्या बोलते हैं यस सर। आप बताओ क्या बोलते हैं? पहले वाले को क्या बोला हमने? सर लॉ ऑफ ऑर्बिट हाँ लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसका नाम क्यों पड़ा था हमारा? सर सेकंड का फर्स्ट वाले का, सर लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ा था। क्योंकि वो ऑर्बिट से रिलेटेड है, यस सर। ठीक है? और सेकंड जो है वो क्या है, किससे रिलेटेड है? एरिया एरिया से, तो उसे लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। थर्ड वाला जो एक्चुअली टाइम से रिलेटेड है, तो लॉ ऑफ टाइम बोलते हैं इसे कई बार, और कई बार लॉ ऑफ हार्मोनिक भी बोलते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है वो हार्मोनिक से रिलेटेड होता है। हार्मोनिक पढ़ोगे आप लोग ना, तो लॉ ऑफ टाइम भी बोलते हैं कई बार, है ना? लॉ ऑफ डिस्टेंस भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं इसको। ठीक है, तीन लॉ थे हमारे पास, तीनों का हम लोग यूज करते हैं अलग अलग केसेस में, और उससे हम लोग ड्राइव करते हैं फिर। यस ठीक है, तो ये लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोल सकते हो आप, या लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ हार्मोनिक, लॉ ऑफ पीरियड या लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ हार्मोनिक बोल सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस भी बोल देते हैं कई बार, तो ये इसका नाम है बेसिकली। तो अच्छा, हम लोग यहाँ पे यहाँ से आए थे हम लोग ना। हाँ, हमने यहाँ पे जो एक्चुअली ये निकाल लिया था वेलोसिटी, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए थी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम ऑफ द सेटेलाइट इंटू वी ऑर्बिटल का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कितना आ जाएगा, हाफ एम इंटू जी एम बाय आर, तो 1/2 जी एम एम अपॉन आर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सर मूविंग सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि यहाँ पे अगर मैं जी नॉट की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, वी और आर के टर्म में अगर जी की वैल्यू निकालें, यहाँ पे जी का वैल्यू निकालूँ मैं अगर वी और आर के टर्म में, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? जी क्या होता है, फोर्स होता है एम जी, और एम जी फोर्स यहाँ पे किसके, एम जी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एक्चुअली, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। यस तो जी को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, यस तो जी यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर होता है ना। तो यहाँ पे जी जो है इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, क्या होता है वैसे एक्चुअली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, यानी जो एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, वो किसके बराबर है? ग्रेविटी का। ग्रेविटी हाँ, जी के बराबर है। यस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी के बराबर है। अच्छा एक बताओ, कोई बॉडी अगर फ्री फॉल कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है?
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी होता है मतलब, है ना। अच्छा, उसका यस सर। इफेक्टिव वेट इफेक्टिव कितना आता है? इफेक्टिव वेट अगर हम वेइंग मशीन पे उसको रखें और फ्री फॉल कर रहा हो, इफेक्टिव वेट कितना आता है? नहीं पढ़ा हमने ना ये। इसका इफेक्टिव वेट जो है जीरो आता है, ठीक है। जब एक्चुअली आपका ये लिफ्ट है कोई, इस पे एक वेइंग मशीन रखी है और वेइंग मशीन के यस ऊपर आपने कोई चीज मेजर कर रहे हो वेट, तो अगर ये रुकी हुई है तो W इक्वल टू एम जी आएगा। अगर ये नीचे को एक्सीलेट हो रही है तो आपका जो W आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम जी माइनस ए आएगा, अगर एक्सीलेशन ए है तो। और अगर ये ऊपर को एक्सीलेट हो रही है तो W इक्वल टू एम जी प्लस ए आता है। तो आपका इफेक्टिव वेट ज़्यादा शो होता है मशीन में ना, जबकि मशीन होती है ये वेट क्या यस करेगी, ज़्यादा शो करेगी यहाँ पे। और जब आप ऐसे जाओगे तो वेट कम शो होगा। आपने लिफ्ट में देखा जब नीचे को एक्सीलेट होता है आपको ऐसा लगता है हल्का सा फील होता सर है ना। तो जहाँ पे स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग होती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मंजिल का होता है, लिफ्ट बहुत तेज चलती है, एक्सीलेट करती है, वहाँ पे आपको फील होगा कि आपका वेट कम हो गया जैसे। तो वो ये वाला केस होता है जहाँ पे वेट आपका घट गया, जी माइनस ए हो गया इफेक्टिव वेट। तो सर, वेइंग ऊपर मशीन जाते हैं ज्यादा लगता है। ऊपर जाते ज़्यादा लगना चाहिए वैसे ना, अगर तेज चलेगी तो। हालांकि तेज चलती नहीं है, फील हमें होता कम है, लेकिन होगा अगर आप तेज चलेगी तो। ऐसा है। और अगर मान लो ये ए इक्वल टू जी हो गया तो फिर क्या होगा इस केस में? सर जीरो जीरो जीरो। तो इसको हम बोलते हैं कि इफेक्टिव वेट हमें जीरो फील होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार कि मान लो कोई थीफ था, उसने एक बॉक्स अपने सर पे रखा हुआ था और वो विंडो से कूद गया नीचे सड़क पे, तो जब वो कूद रहा था उस समय उसे बॉक्स का वेट कितना फील होगा, तो क्या बोलेंगे? जीरो जीरो फील होगा, है ना। यहाँ हम लिफ्ट में थे, लिफ्ट की मान लो कोई आदमी था लिफ्ट में और इसमें लिफ्ट की तार काट दी गई, तो नीचे जब फॉल करेगा उस समय इसका वेट कितना होगा? जीरो इफेक्टिव वेट विल बी जीरो, सर, इफेक्टिव वेट जीरो होगा, इफेक्टिव वेट और जीरो मर होगा। जाएगा एंड में, हाँ वो तो खैर जो भी होगा इंजरी होगी जो भी होगा, क्योंकि लेकिन ग्रेविटी अचानक से ज्यादा आ गई ना पूरी की पूरी। हाँ तो इफेक्टिव वेट लेकिन यहाँ पे जीरो होगा। तो ये जब भी हमारा ए जो है जी के बराबर होता है तो इफेक्टिव वेट जीरो हो जाता है। तो यही केस यहाँ पे भी हो गया, सर बस यहाँ पे एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर वाला केस है। तो वो सेंटर एक्सेलरेशन और जी बराबर हो गए, तो यहाँ पे भी इफेक्टिव वेट कितना हो जाएगा? जीरो जीरो। तो यहाँ पे वेटलेसनेस फील होती है। आपने देखा सैटेलाइट में जो है उड़ते रहते हैं उनके कागज चम्मच पेन, यस तो सर बिकॉज वहाँ पे इफेक्टिव वेट जीरो है। और इफेक्टिव वेट जीरो क्यों है? बिकॉज वहाँ पे एक्सेलेशन जो है वो जी के बराबर हो गया। क्लियर ये बात? यस सर ओके। तो ये जो है इसमें सब हमने हाँ देखा था वहाँ पर। तो इसके क्वेश्चन जो हैं वो तो कोई ऐसे कुछ है नहीं, उधर न्यूमेरिकल सिंपल हैं, मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे प्रैक्टिस अगर करोगे तो। इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे भी हैं जो कि क्या नाम बोलते हैं आपके v इक्वल टू यू प्लस 80 से रिलेटेड है, जैसे आपने किसी को ड्रॉप किया या किसी को ऊपर फेंका, तो क्वेश्चन हम ऑलरेडी मोशन चैप्टर में कर चुके हैं जहाँ पे हम ए को जी ले लेते हैं या माइनस जी ले लेते हैं, यस सर तो वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे कुछ खास क्वेश्चन ऐसे हैं नहीं, है ना। एक आधा क्वेश्चन कोई देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ऐसे किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक जो हमने पढ़ा है? सर ओके। एनटीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि 80 kg का मास ऑन अ वेइंग मशीन है और लिफ्ट ऊपर को मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो इफेक्टिव वेट कितना फील होगा उसको? 80 kg का मास मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सर, आप लिख रहे हो क्या? नहीं मैं लिख नहीं रहा, पूछ ऐसे पूछ रहा हूँ। 80 kg का मास है मान आदमी का और ऊपर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? एक्सेलरेशन है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है, सर ए नो जीरो सर, है, जीरो होगा, ए जीरो तो होगा डब्ल्यू कितना आ जाएगा? एम जी के बराबर, एम जी। भाई आप ए किसी में पुट कर लो तीनों इक्वेशन में,
अगर जीरो पुट करोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी हो जाएगा। यस सर। तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है या रुकी हुई है तो सब केस में डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होगा, है ना। यहाँ पे इनफैक्ट अगर आपकी यूनिफॉर्म स्पीड भी है ऊपर या नीचे तब भी हमारा डब्ल्यू जो है एम जी के बराबर ही आएगा। यस सर। सर ये बाकी दो केसेस हो नहीं सकते क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ बाकी दो केस में एक्सेलरेशन हो रहा है बिल्कुल, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। यस सर। ओके अच्छा यहाँ पे एक जी का एक और ग्राफ है जो हम अगर ऐसे बनाए जी का ग्राफ, मान लो ये डेप्थ है, यहाँ पे जी का वैल्यू जीरो था और यहाँ पे जी नॉट था, और ऊपर जाएंगे तो फिर घटेगा आपका जी का वैल्यू। यस सर। यस सर घटेगा। बिल्कुल अगर आप ग्राफ यहाँ से बनाना शुरू करोगे तो सेंटर पे यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। यस सर। मान लो डिस्टेंस बनाना शुरू करते हो आर से इधर को, एट जब आर आएगा तो यहाँ तक क्या होगा, जी का वैल्यू पहले बढ़ेगा ऐसे। यस सर। यस सर। जी का वैल्यू बढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, फिर ये अपने सरफेस पे आ गया। ड्रॉप कर जाएगा बिल्कुल ग्रेविटी पे आते ही। हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, नहीं ऐसे करेगा फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा। यस सर। तो है ना, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा, जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर बोल सकते हो आप, स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली G is inversely proportional to the R square, और यहाँ पे G is directly proportional to the R. सर इन्वर्सली होता है तो ऐसे ही ग्राफ सर बनता है। फर्स्ट केस के सर फर्स्ट केस जिसमें बढ़ रहा है सर, ये कौन सा केस है सर? देखो ये होता है ना G equal to G naught 1 minus D by R. सर सेंटर पे है ना सर ये हाँ ग्राफ हमने जो बनाया सर, ये सेंटर से फिर सरफेस से और फिर स्पेस तक जाने वाला है ना? हाँ पहले सेंटर से आप सरफेस तक आए यहाँ तक, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको और सही कर लेता हूँ ग्राफ को। सर पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी तो सर जैसे ही हम थोड़ा आगे जाएंगे सेंटर से सर तब ज्यादा होगी ना, एज कम्पेयर टू जितना डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। एक मिनट, यहाँ तक वैल्यू बढ़ेगी, मैं ये कह रहा हूँ ये मान लो आर है, कॉन्स्टेंटली कैसे बढ़ेगी? आ रहा है इसमें, मैंने प्रोपोर्शनली डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी आपका क्वेश्चन ये है। यस सर। सर क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रेविटी तो सर तब होनी चाहिए जब हम सेंटर से बस थोड़ी सी दूर है, तब से फिर घटनी शुरू हो जानी चाहिए ना। नहीं वहाँ पे ज्यादा नहीं होती ना, कम होती है। अभी देखो अभी देखो अभी आएगा। तो वैसे मेरे लॉजिक से जाएंगे तो सर जैसे हम सेंटर से बाहर जाएंगे तब हम बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और फिर वापस सेंटर में गिर जाएंगे। नहीं बहुत नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा। देखो ऐसे क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, देखो वन माइनस डी बाई आर था। यस सर। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो डी है, डी आप जो है यहाँ से मेजर कर रहे हो, एक कैपिटल आर है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, और एक स्मॉल आर है जो कि आप सेंटर से मेजर कर रहे हो यहाँ से, ठीक है। यस सर। हमें जो ग्राफ बनाना है किसके बीच में बनाना है, जी वर्सेस स्मॉल आर, यस सर। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे आर और डी में क्या रिलेशन है, मान लो ये एक पॉइंट लूँ मैं यहाँ पे, ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस मान लो आर है और ये डी है, तो कैन आई राइट आर इक्वल टू डी प्लस आर, यस सर। लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनना था हमारा ये बनना था जी नॉट, ये वाला, इसको लिखते हैं जी नॉट आर माइनस डी बाय आर, तो आर माइनस डी क्या हो जाएगा यहाँ से, आर यस सर। स्मॉल आर, तो ये फॉर्मूला आ गया। यस सर। तो कैन आई राइट जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, यस सर। अलग अलग पॉइंट के लिए जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो भाई जी नॉट तो कांस्टेंट है सरफेस पे है वो तो वैल्यू, यस और सर। आर जो है रेडियस ऑफ अर्थ है वो भी कांस्टेंट है हर पॉइंट के लिए, वो तो फर्क नहीं पड़ रहा कोई, तो जी प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी जैसे जैसे आप बाहर की तरफ को आएंगे
यहाँ से सरफेस से बाहर की तरफ को आएंगे, आपकी ग्रेविटी क्या होगी, पहले बढ़ेगी और फिर आपकी वैल्यू घटेगी। तो आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे पहले बढ़ेगी यहाँ तक सरफेस तक, और सरफेस के बाद फिर आपकी घटना शुरू हो जाएगी जी का वैल्यू। तो यहाँ पे जी जो है बढ़ेगा पहले प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और जब बाहर आप आओगे तो जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर हो जाएगा एज पर फॉर्मूला। और यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी विच इज जी नॉट, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी विच इज जी नॉट 9.8 जो आता है आपका। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, हमने जो पिछला ग्राफ बनाया था आप लोग अगर यहाँ देखोगे तो हमने डी के वर्सेस ग्राफ बनाया था, जब मैं आपको ये बोल रहा था ना। ये वाला, ये मैंने डी के यस साथ सर। बनाया था कि अगर मैं सरफेस से डेप्थ की तरफ अंदर अंदर जाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो ऐसा बनेगा। अगर मैं सरफेस से सेंटर की तरफ को जाऊं तो जब मेरा डी इक्वल टू आर होगा तो जीरो होगा। यहाँ पे हम उल्टा बना रहे हैं, हम यहाँ पे सरफेस से, सॉरी सेंटर से सरफेस की तरफ को आ रहे हैं जो अभी ग्राफ बना रहे हैं। और ये ग्राफ था कि जब हम सरफेस से यानी डी इक्वल टू जीरो से और सेंटर पे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे डी इक्वल टू आर हो जाएगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर यहाँ बनाओगे तो उल्टा बन जाएगा, अगर आप आर से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आओगे तो बढ़ता हुआ ग्राफ बनेगा ऐसे वाला, ऐसे वाला। ठीक है, ये वाला। तो आपसे कोई भी ग्राफ पूछ सकता है कि इनसाइड द अर्थ कितना होगा और बाहर कितना होगा, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। तो आपसे कई ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि मान लो मैं सेंटर से जो मेरी दूरी है अगर मैं डबल कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा। दोनों पॉइंट है, दोनों सेंटर से दूर अंदर ही अर्थ के, लेकिन एक आर डिस्टेंस पे, एक टू आर डिस्टेंस पे है, तो जी का वैल्यू में क्या रिलेशन होगा इनका। जी टू मान लो ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो जी टू और जी वन में क्या रिलेशन होगा। अच्छा, पॉइंट बाहर होते तो क्या रिलेशन होता। सर ग्रेविटी कम होगी। अगर ये बाहर होते तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते, ऐसा होता इसका। यस सर। अब अंदर में क्या होगा, अंदर में मैंने क्या लॉ देखा, अंदर में ये होता है ना, यस तो सर। प्रोपोर्शनल होगा इधर जी टू क्या लिखना सर, चाहिए मुझे, 4 हो जाएगा। 2 × g1। 2 × g1। अगर डिस्टेंस डबल होगा, आर डबल होगा, तो जी भी क्या हो जाएगा, डबल डबल। तो जी टू जो होगा वो ट्वाइस ऑफ जी वन होना चाहिए अगर दोनों पॉइंट इसके अंदर हैं तो, क्योंकि वहां पे हमारा जो जी है इट इज वेरिंग एज प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड कैसे वेरी करता है, प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। तो दोनों के लिए लॉ अलग अलग है। ओके सर। ओ मैं समझ गया क्या गलती हो रही थी। ओके, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, क्यों तो कोई आप ये नहीं, अभी आप कोके सर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ से वैलिड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा है कि वैलिड कर रहे हैं उसको यूनिवर्स, उसके प्रिंसिपल को, ग्रेविटेशन लॉ जो आपका है यूनिवर्सल, जब जी प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है तो क्या उसको वैलिड कर रहा है ये प्रिंसिपल को। ऐसा लग तो रहा है कि वैलिड कर रहे हैं, आर स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। कि जब सर आप हमने केस भी तो देखा है सर, हम नेगेटिव में जा रहे हैं उधर माइनस कर रहे हैं, तो सिर्फ रेडियस के अंदर जाने वाला केस होगा जिसे हमने आर से डिनोट करके किया था। तो सर इसमें हम प्रोपोर्शनल वाला आएगा और उसमें इनवर्सली आएगा क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, रेडियस बढ़ रही है। एक्चुअली होता है कि जब फॉर्मूला आप ड्राइव करते हो ना, ये तो मान लो मैं फॉर्मूले में ये एक सेंटर है और मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ जी का वैल्यू। जब मैं इस पॉइंट पे जी का वैल्यू निकालता हूँ तो इस पे केवल अंदर वाला जो ये मास है जो कि इस स्फेयर के अंदर होगा, केवल वो ही फोर्स एग्जर्ट करेगा, बाकी जो ये बाहर वाला मास है इसका नेट फोर्स जीरो हो जाता है।
इस पॉइंट पे, तो इसके लिए इफेक्टिव मास कितना लेंगे हम, इतना लेंगे एम वन। तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू आएगा एक्चुअली वो आएगा जी एम वन बाय आर वन का स्क्वायर। और जब आप ये मान लो पॉइंट थोड़ा भार लेते हो यहाँ पे लेते हो, तो आप कितना मास इफेक्टिव हो जाएगा, इतना। तो आप क्या लिखोगे जी का वैल्यू, जी एम टू अपॉन आर टू टू का, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि जो इफेक्टिव मास है ना वो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग लेना पड़ता है। तो स्फेयर में जो होता है, इस प्रॉपर्टी होती है स्फेयर की कि जब आप ऐसा चीज निकालते हो तो भार वाला जो मास होता है ये वाला मास इनइफेक्टिव हो जाता है। ये वाला मास क्या होता है, इनइफेक्टिव मास। इसका जो फोर्स होता है नेट वो जीरो आ जाता है, तो इससे कोई फोर्स नहीं लगता, केवल जो यस अंदर वाला सर, होता है उस, उसका तो काम ही नहीं ना सर, वो पॉइंट के अंदर है। हाँ जो पॉइंट के अंदर होता है केवल वही हमारा फोर्स लगाता है। तो हम जो अंदर वाला होता है इसी को हम इफेक्टिव मास लेते हैं। यस सर, ये भी शायद स्फीयर ही करते हैं, तभी शायद सब स्फेरिकल प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि सब यूनिफॉर्म हो जाता है जब ये स्फेरिकल में होता है। हाँ अब यहाँ पे देखो एक चीज और है कि अगर मास मेरा है, मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इसको रो इनटू यस फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब। तो ये क्या आ गया देखो, प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, नहीं आ गया। यस सर, यहाँ पे जी का वैल्यू ये आया, और यहाँ पे आप निकालोगे तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये सब सेम सॉल्व करोगे तो फोर बाय थ्री पाई जी रो आर टू आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यस सर, ठीक है, तो ये चीज़ तो सेम है उसके लिए, दोनों के लिए। तो अगर आर आपका डबल हो जाएगा तो जी कितना हो जाएगा, जी टू से बढ़ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना, इफ आर टू इज ट्वाइस आर वन, डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यस सर, सही द स्क्वायर नहीं है पर। हाँ क्योंकि स्क्वायर नहीं, तो क्योंकि हमने इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसलिए आएगा ये। अब क्लियर हुआ क्यों आया ऐसा, यस सर, तो ये यूनिवर्सल लॉ को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है फॉलो नहीं कर रहा, ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो कर रहा है ये, बस यहाँ पे क्या है कि मास चेंज हो रहा है बार बार। अब जब आप बाहर निकालोगे तो बाहर में क्या होगा कि जब आप यहाँ पे लोगे तब भी आप ये लिखोगे जी एम बाय आर स्क्वायर, और जब दूसरे पॉइंट पे लिखोगे तब भी आप जी एम बाय आर टू स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि मास तो सारा इफेक्टिव लेना पड़ेगा आपको, मास तो सारा इफेक्टिव लेना पड़ेगा जब बाहर पॉइंट होगा। तो दोनों में मास सेम रहता है, केवल आर चेंज होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो मास ही चेंज होने लग गया आपका, तो फिर आपको निकालना पड़ेगा इफेक्टिवली जो आपका है, इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा, तब आपका ये केस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर, ओके। तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी स्मॉल जी एंड कैपिटल आर, निकाल लोगे तो मेरे ख्याल से, डेंसिटी ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी कैपिटल जी एंड आर, बताओ क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा इसका। डन डन, क्या आंसर आया सर, जी डिवाइड बाय 4/3 आर इनटू कैपिटल जी आर इनटू कैपिटल जी, ऐसा सर, पाई भी, पाई भी है। बाकी लोगों क्या रहे, यस बाकी लोगों का सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है।
मेरा थोड़ा अलग आ रहा है। देखो आपने से किया, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। 4/3 पाई g सेम है। r, ऐसे आ रहा है मेरा तो। आपका क्या आ रहा है, इनका लगा रहा है? सेम आ रहा है सर, गलती कर दी। सर क्या किया गलत? क्या गलती करी? मैंने 4/3 पाई हटा दिया था। अच्छा नहीं, स्फीयर का वॉल्यूम है ना यार, तो अभी तुम्हारे चैप्टर भी आने वाला है भाई, सर सरफेस एरिया वॉल्यूम आने वाला है तुम्हारे बोर्ड में, पढ़ लिया। सर ऐसा मत करो। तो वो तो हटा रहे हैं 4/3 पाई, पेपर में हटा दोगे फिर क्या होगा? पेपर वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन पूरा लिखेंगे और आंसर पूरा देंगे और फिर उसमें से काट देंगे नीचे को। देख लो फिर। हाँ पीछे का क्या, मैं दे तो तुम्हें ज्यादा रहा था लेकिन मेरे फिर 5 नंबर में भूल गया। यस तो सर, 95, सौ में से टीचर भी ऐसे ही देते सब, जब इनोवेटिव हो जाते बच्चे। सौ में से 95 आ गया आपके फिर, है ना, 100 नहीं आए। यस सर, चलो तो आई थिंक सबका डन है ये, राइट? यस सर। ओके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि टू सैटेलाइट्स, ओहो पेन हैंग हो गया, 1 मिनट रुको, है पेन अब चला। टू सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ अराउंड द अर्थ, वन ऑफ देम इज अराउंड द अर्थ इन सेम, मैंने वो रेडियस सेम है, ऑर्बिट ऑफ सेम रेडियाई, ये रेडियस, वन ऑफ देम इज 10 टाइम हैवियर एज कंपेयर टू अदर, तो आपको बताना है इनका रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा। सर 1/√10। नो करो आप लोग, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ आपको 1 मिनट बाद, ठीक है? सर 10:1। नो
डन। सर 10:1। नो भाई सर आपका डन सर वन क्या इज टू वन है? हाँ 1:1 आएगा ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था देखो वहाँ पे, सर 2 पाई आर बाय V0 मतलब उसमें एम था क्या? सैटेलाइट का मास था, प्लेनेट सर नहीं था सर का मास था ना। अगर आप देखेंगे ध्यान से फॉर्मूला पे हमने कैसे ड्राइव किया था, हमने लिखा था mv² r = gmm/r² जी एम यस सर सर GM वाला नहीं लेना है हम। तो ये एम कट गया था ना। यस सर ये तो कर लिया यहाँ था से फिर आपका जो वी आया था वो क्या आया था? gm/r आया था मतलब r अर्थ का बटे। मास है यानी जो बड़ा वाला है। हाँ ये कैपिटल अर्थ का ही होगा। ओके सर फिर सेम होगा तो टाइम पीरियड आपका जो आएगा 2π r/v आएगा, और v आप पुट करोगे तो यहाँ सर। पे, तो यहाँ पे कहीं भी जो है उसका मास नहीं आया, प्लेनेट का तो मास पहले ही कट गया था ऊपर ही। यस सर सर वो मैं कंफ्यूज हो गया था। तो t इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सेटेलाइट या फिर जो प्लेनेट है उससे इंडिपेंडेंट होगा, तो यानी t1 = t2 होगा, मास से कोई डिपेंड नहीं करेगा। ओके यस सर चलिए, तो ये हमारा जो है ग्रेविटेशन चैप्टर था, तो आप इसके क्वेश्चंस वगैरह कर लेना। बाकी क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल वाले वैसे सिंपल ही हैं, तो आप लोग एक बार ट्राई करेंगे। और अब हम मूव कर रहे हैं दूसरे चैप्टर पे जो आपका था वेव्स एंड साउंड। ठीक है, ठीक है। वेव्स एंड साउंड हमने पढ़ा था, तो ये एक चैप्टर था। तो वेव क्या होता है पहले तो? काइंड ऑफ डिस्टरबेंस होता है जो एनर्जी ट्रांसफर करता है एक प्लेस से अनदर प्लेस, यस हमने पढ़ा था। सर काइंड ऑफ डिस्टरबेंस है, एनर्जी ट्रांसफर करता है, लेकिन एक और कंडीशन पड़ी थी विदाउट क्या? विदाउट मूविंग क्या होता है, कुछ पढ़ा था हमने? नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नेट मोमेंट ऑफ पार्टिकल, नहीं पार्टिकल मूव नहीं करते, मैंने एक जगह से दूसरी जगह, एनर्जी तो मूव करती है लेकिन इफेक्टिवली पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। यस सर। सर ये तो शायद इलेक्ट्रिसिटी में भी तो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। मूव नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मूव करती है उनकी। उसमें भी ऐसे बोल सकते हो, है ना? तो ट्रांसफर ऑफ, वहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन मूव तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वैसे, वहाँ पे सर्किट में पूरा मूव करते हैं, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर सर करते वो हैं। ट्रांसफर ही करते हैं जगह से एक घर से। सर हाँ वो ट्रांसफर होते हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं होते, ट्रांसफर हिलते थोड़ी है सर वो नहीं हिल जाते हैं। मिल हाँ जाते उनकी हैं। स्पीड तो बहुत कम होती है। जो उसकी स्पीड है, स्पीड कम कम मतलब कि देखना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी आती है। कॉपर में तो काफ़ी वैल्यू आती है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं जो उसकी वैल्यू आती है। यस सर वो तो बहुत यस कम सर थी। हाँ कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन में तो बहुत सारे होते हैं। यस सर तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। तो माना मान लो 1 घंटे तक अगर आप फैन चालू रखोगे तो कुछ तो मूवमेंट आ ही जाएगा ना कुछ उसमें, एक सेंट मान लो भले ही 1 mm आए, 2 cm आए, जो भी आएगा। यस सर सर मूवमेंट यस तो सर हाँ तो वेलोसिटी होती है उसकी, अच्छी खासी वेलोसिटी होती है ना, ऐसा नहीं होता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम तो नहीं होती, कितनी वैल्यू आती है मैंने किस उसमें होती है ड्रिफ्ट सर वेलोसिटी? अगर काफी देखें कम होती है। कितनी, अगर देखें कॉपर में कितनी है, चेक कर लेते हैं एक बार नेट पे वैल्यू कितनी आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कॉपर एटम, कॉपर वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेक कर लेते हैं इन कॉपर, कॉपर वायर। पॉइंट टू 0.5 मीटर पर सेकेंड लिखा है यहाँ पे, 200 वोल्ट पे सर 0.5 मीटर पर सेकेंड। सर इतनी ज्यादा थोड़ी होती है सर। तो क्यों, आपको क्या लगता है? एनसीईआरटी में तो बहुत कम थी सर एनसीईआरटी कितनी लिखी हुई है काफी कम थी सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी? क्या वहां ड्रिफ्ट नहीं दे रखी ना सर लिखा था वहां पे? ये एनसीईआरटी नहीं में दिया पता हुआ है? मुझे किसके सर। ड्रिफ्ट नहीं है बाद एनसीईआरटी? तो खोलो एक बार देखो क्या है, फोटो खींच के भेजो यहाँ पे, क्या लिखा है वहां पे? सर। मतलब वैसे भी कम यार तो इतने नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तो एक दूसरे की काइनेटिक एनर्जी सर
ट्रांसफर होगी दूसरे में, तो सर वेलोसिटी तो वैसे भी बढ़ी जाएगी। अब वेलोसिटी अगर नहीं आएगी इलेक्ट्रॉन में तो फिर करंट चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि अब तो लिखते हो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो अगर करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर आप कैसे लिखोगे कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे होती है एक्चुअल। ठीक है, आप फोटो खींचना अगर किसी को मिलेगा अभी तो, है ना। चलो हम लोग ये देख रहे थे कि वेव में लेकिन एक्चुअली जो होता है पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, सर एनसीईआरटी में तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो ये वो एक्चुअली वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है ना, कि वोल्टेज कितनी, क्या लिखा है वैल्यू, वो क्या लिखा है, मतलब इसका नाम क्या दिया हुआ है। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, तो ये अगर 1 mm/s भी है, मान लो सपोज ये किसी वोल्टेज पे होगी, है ना, जो इसने वोल्टेज मानी होगी, तो 1 mm अगर है और आप मान लो 1 घंटे इसको चालू रखते हो, तो कितना आगे चला जाएगा, 3600 mm, है ना, ये 1 घंटे में है, और अगर इसको सेंटीमीटर में करोगे 360 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे 3.6 मीटर, सर मैंने मतलब लिंक भेजा है सर उस पे देखना। इतनी स्पीड आएगी लगभग 3.6 मीटर पर आर। सर मैंने लिंक भेजा है सर उस पे देखना सर। सर टेलीग्राम पे मैंने गूगल पे किया था सर। नहीं, अच्छा यहाँ पे अपने यहाँ पे कमेंट में लिखा है, कमेंट में भेजा है यस सर। लिंक। ओके, तो आपकी जो स्पीड आ रही है मतलब ये किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे आती है ना, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग वेरी करेगी, तो कम तो नहीं होती, मैंने काफ़ी ठीक ठाक होती है। यहाँ पे कितना लिखा है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन एक्सेस ऑफ 1, कौन सा बोल रहे हो आप इसमें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है आपने तो। यस सर। सर ड्रिफ्ट में तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही थी इसलिए मैंने वेलोसिटी डाला। इन्होंने लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज 1.7, तो मतलब है ठीक ठाक है, मतलब कम तो नहीं है। एनसीईआरटी में भी जो लिखा हुआ है आपकी वैल्यू, वो भी अगर 1 घंटे में चालू रखूंगा तो भी काफी आगे तक तो जा ही रहे हो। 3.6 मीटर पर आवर आ रही है, मतलब वैसे कम है, मतलब अगर आप तो नॉर्मल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, जो नॉर्मल लाइफ में स्पीड कम है, इसको 3.5 6 मीटर को कम मानेंगे, है ना, आप ये सोच रहे हो। नहीं यस सर, सर, सर मैंने कम पढ़ी थी इसलिए मैं बोल रहा था। अच्छा हाँ, नहीं नॉर्मल लाइफ से कम होगी, लेकिन मतलब इतनी कम भी नहीं होती, ठीक होती है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मूव ही नहीं करते इलेक्ट्रॉन, आप ये बोलो कि मूव नहीं करते इलेक्ट्रॉन, मतलब अपनी यस जगह पे, सर जगह पे रहते आज हैं। नहीं हो। हाँ, आप ये बोलोगे अपनी जगह पे रहते हैं, तो वो भी एक तरह से सही नहीं होगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, मूव करते हैं, ठीक है। एंड एनीवे, अभी हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो मीडियम पार्टिकल मूव ही नहीं करता, एनर्जी केवल एक मीडियम पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती रहती है, और एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह पहुंच जाती है विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल। ठीक है, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। यस सर नो डाउट। राइट, वेव को हम उसके मोशन के अकॉर्डिंग दो तरह से डिवाइड करते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी वेव होती हैं। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल। वेरी गुड, ट्रांसवर्स होती है और लॉन्गिट्यूडनल पढ़ी थी हमने। ट्रांसवर्स में क्या होता है, सर क्रस्ट एंड ट्रफ सर इसमें बनती है। क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है, और क्या होता है, वेलोसिटी किधर को होती है इसकी पार्टिकल की, ये मान लो वेव वेलोसिटी है, तो पार्टिकल वेलोसिटी यस किधर सर को होती इसके है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल वेलोसिटी जो होती है परपेंडिकुलर टू द वेव वेलोसिटी होती है, तो पार्टिकल आपके या तो नीचे या ऊपर को मूव कर रहे होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होती है इससे। लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, सर कंप्रेशन, कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन। रेरिफेक्शन बनते हैं, और जो आपकी वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, या तो इधर को होती है या इधर को होती है, तो वी कैन राइट की वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू द वेव वेलोसिटी, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव में। ओके, क्लियर है ये। यस ओके, साउंड कौन सा वेव में आता है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स साउंड ट्रांसवर्स में आता है, यस सर। मैंने जब आप एयर में बोलते हो तो एयर में कंप्रेशन, और लॉन्गिट्यूडनल एयर में कंप्रेशन रेरिफेक्शन बनेंगे या क्रस्ट ट्रफ बनेंगे, सर कंप्रेशन रेडिफैक्शन कंप्रेशन रेरिफेक्शन कंप्रेशन बनेंगे ना, रेडिफैक्शन तो साउंड कहाँ आएगा, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल में आएगा। लाइट वेव कहाँ आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वो होती है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स तो सारी ईएम वेव आपकी जो भी होती है लाइट वेव और बाकी जो भी ईएम वेव होती है सारी यहाँ आती हैं। ठीक है,
उसके अलावा बिना हमने मीडियम के ट्रैवल कर सकते हैं। बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक मैटर वेव होती है एक नॉन मैटर वेव, तो उसको भी डिवाइड करते हैं मैटर वेव एंड नॉन मैटर वेव में। तो जो ईएम वेव होती है सारी वो नॉन मैटर वेव है, बिना उसको मीडियम के भी वो ट्रांसफर कर सक ट्रेवल कर सकती हैं, यस सर। जैसे लाइट वगैरह हो गई आपकी। लेकिन जो आपकी बाकी साउंड वेव हैं, इनफैक्ट हीट भी, जो आपका हीट रेडिएशन होता है वो भी ईएम वेव आता है। तो सन से यहाँ तक जो आ रहा है हीट का रेडिएशन, वो वहाँ पे मीडियम तो है नहीं बीच में कोई, तब भी आ रहा है, तो किस तरह का वेव हुआ, नॉन मैटर वेव हुआ वो भी। यस सर। हाँ, लेकिन साउंड नहीं आ रहा, मान लो कहीं स्टार में कहीं एक्सप्लोजन हो रहा है या कहीं कुछ के प्लेनेट में कुछ हो रहा है, तो आपको आवाज़ आ रही है क्या? नो सर। नहीं आ रही। अगर आ रहा होता तो फिर क्या होता, पूरे यूनिवर्स में डिस्टरबेंस चलता रहता हमेशा ही, मैंने कोई ना कोई आवाज़ आती यस रहती। सर। उससे फिर ये हमें होता सर, हमारे कान खराब हो जाते सर। हाँ वही है, फिर आवाज़ आती रहती तो कान खराब हो जाते हैं। तो साउंड वेव जो होती है एक ही ये, सुन लेंगे सर, उसी में कान खराब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तो साउंड वेव जो है मैटर वेव है, तो इनको चलने के लिए जो है बीच में मीडियम चाहिए, जो कि यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है बीच बीच में पॉकेट्स में, तो सर मैटर मैक्सिकन स्पेस मूवी में किस में दूसरे से आएगी? कम्युनिकेट नहीं कर पाते बाय यूजिंग वॉइस। कहाँ पर, अगर हम चांद पे जाएंगे तो आपस में बात करनी होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर रेडियो वेव्स का यूज रेडियो वेव का यूज करना पड़ेगा। जैद क्या क्वेश्चन पूछे था, कौन सी टाइप की वेव? मैक्सिकन वेव सर कौन सी में आएगा? मैक्सिकन मतलब आपकी जो वाली होती है पानी के ऊपर यस होती सर। है, या जो स्टेडियम, अर्थक्वेक, नहीं सर स्टेडियम में बनती है जो। वो ट्रांसवर्स होती है ना, तो उसे क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स वेव बोलोगे, और मैटर वेव बोलनी पड़ेगी, तो सर उसे उसको किस चीज मीडियम की रिक्वायर है? हाँ मीडियम तो चाहिए ना, बिना मीडियम के तो आप देख नहीं सकते उसे, कैसे देखोगे अगर लोग नहीं होंगे वहाँ पे, यस सर लोग ही वो तो तो। वहाँ पे वही बनाते हैं जो ऑडियंस होता है, वही बनाते हैं ना इसको मैक्सिकन वेव को, यस सर। तो मीडियम तो चाहिए चाहिए है ना। वैसे वो साइकोलॉजिकल वेव एक तरह की, मैंने उसको एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती है, तो साइकोलॉजी ट्रांसफर यस होती है। सर। सर ट्रांसफर नहीं हो रही सर, जो थका हुआ आदमी है सर वो क्या करेगा? सही बात है। सर सभी उठ पड़ते हैं सर। हाँ तो एक तरह का साइक वो तो हुआ है ना, मैंने एक वो मोटिवेशन तो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं सर। जैसे सर परेड होती है सर, वैसे वो नहीं चाहिए लॉन्गिट्यूडनल, वो तो नहीं होती। तो बोल सकते हैं ना, अगर आप वैसे आप बोलो मोटा रफली, तो रफली वो ट्रांसवर्स वेव एक तरह की है ना, और मैटर यस वेव सर। है, ठीक है। ओके क्योंकि एनर्जी इसमें ट्रांसफर ही नहीं हो रही। एक आदमी थका हुआ, उसके पास बगल वाले आदमी की एनर्जी थोड़ी आ जाती है। बिल्कुल, अगर आप मान लो स्ट्रिंग को जर्क दोगे तो कौन सी वेव बनेगी, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल? सर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। इस केस में ट्रांसवर्स बनती है। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस और वो करोगे बार बार, तो कौन सी वेव बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल। तो ये वेव जो बनेगी ऐसे ऐसे में चलेगी, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी। अच्छा, साउंड को जो है मीडियम चाहिए, इसको प्रूव करने के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था हमने, सर बेल जार एक्सपेरिमेंट। यस बेल जार, हमने जार की एयर रिमूव कर दी थी तो घंटी बजे तो आवाज नहीं आई थी हमें, है सर। ना, यस सर। तो बेल बेल जार एक्सपेरिमेंट से हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि साउंड को जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब जो है जो हमारी वेव होती है इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ बने, क्रस्ट आपको पता है टॉप वाले को क्रस्ट बोलते हैं, यस अब बॉटम वाले को ट्रफ बोलते हैं। अब इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेव वेवलेंथ लेंथ, लैम्डा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, वन बाय फ्रीक्वेंसी, यस सर। या फ्रीक्वेंसी इज वन बाय टाइम पीरियड, यस सर। है ना। टाइम पीरियड मतलब इस वेव को जो यहाँ जाने में और फिर नीचे आएगा ये यहाँ पे और फिर वापस आएगा अपने, तो पूरे जो टाइम लगेगा उसको हम एक टाइम पीरियड बोलते हैं। यस उस टाइम पीरियड
टाइम पीरियड तो हमारा निकल जाएगा सेकंड में जो भी होगा, उसको अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वेव की। यस सर। अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या रिलेशन होता है लैम्डा फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में? सर v इक्वल्स इक्वल्स टू टू लैम्डा लैम्डा इनटू f, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इनटू एफ, या फिर लैम्डा इनटू लैम्डा बाय टी कर लेंगे। यस ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हमने याद किए थे और क्वेश्चन किए थे इस पे हमने। ओके उसके अलावा हमने कुछ और प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी साउंड की, जैसे पिच था, पिच मतलब वो कितनी उसकी पिच ज़्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है साउंड की, है ना, लो पिच साउंड एंड हाई हाई पिच साउंड। यस सर। जैसे मॉस्किटो वगैरह की लो क्या होती है, हाई पिच बोलते हैं हम लोग, है ना, और अगर लॉयन की है तो लो पिच साउंड है एक तरह से, तो वो हमने देखा था। उसके अलावा क्वालिटी क्या होती है उसकी साउंड की, वो हमने देखा था टिम्बरी और क्वालिटी हम बोलते हैं कि, मतलब उसमें अलग अलग टाइप के जो आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे वो अलग अलग तरह का वो बनाएंगे वेव फ्रंट वेव फॉर्म। जैसे आपने ये बनाया, किसी कोई ऐसा ही बना सकता है अपना, तो इसको हम बोलते हैं उसकी क्वालिटी क्या है साउंड की। तो मैंने उसको साउंड को डिस्टिंग्विश करने के तरीके हैं, एक तो होता है कि आपकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी कम या ज़्यादा मतलब दोनों की दो साउंड की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन एक साउंड जो है वो ढोलक से आ रहा है और एक जो है वायलिन से आ रहा है, तो आप डिफ्रेंशिएट तो कर पाते हो ना दोनों में? ऐसा तो नहीं कि आप इंटेंसिटी से फाइंड आउट करते हो कि तेज़ बज रहा है तो ये ढोलक है, कम बज रहा है तो वायलिन में, नो सर। नो सर। है ना। तो इसमें अलग अलग कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो एक बार आप देखिएगा इसमें, इंटेंसिटी के अलावा लाउडनेस टिम्बरी ये सब हमने देखा था, पिच। उसके बाद हमने एको पढ़ा, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने पढ़ा था, एको वगैरह जो उसमें होता है, एको के अंदर टकरा के जो साउंड वापस आता है उसको हम एको बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो टकरा के जो साउंड वापस आता है तो उसको इको बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो आपका साउंड है, दो साउंड के बीच में जो आपका आपको जो साउंड आ रहा है, मतलब एक साउंड पहले आया और आपके कान यहाँ पे आप खड़े हो, तो एक साउंड ये वाला आपको आएगा और एक साउंड जो टकरा के आएगा, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होना चाहिए दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0.1 मीटर, सो दैट 0.1 सेकेंड, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश द साउंड, यस सर। है ना। तो मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तो वहाँ से फिर हमने डिस्टेंस निकाला था, ये हमारा डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए भाई, 0.1 सेकेंड में ये साउंड उसके बाद आना चाहिए, ये वाला साउंड टकरा के। तो साउंड को कितना टाइम लगेगा, मान लो डिस्टेंस डी है तो साउंड की स्पीड वी है, तो साउंड को कितना टाइम लगेगा डी बाई वी प्लस डी बाई वी जाने में और आने में, 2 d/v 2d/v। तो ये डिस्टेंस किससे ज़्यादा होना चाहिए, 0.1 सेकेंड से, इसका मतलब डी शुड बी मोर देन 0.1 v/2 ये बोल सकते हैं हम लोग। यस सर। अब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है कितनी होती है लगभग, सर 3 × 10⁻¹ तो लाइट होती है ये साउंड है, सॉरी सर 348। हाँ ऐसी होती है, मैंने 340, 330, 350, 360 ऐसा दिया हुआ किताब में, जब देखोगे ना आप 11th क्लास में, तो 330 से लेके यस 360 तक के बीच की वैल्यू दी हुई है, तो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में, तो हम 342 मान लो मान के चलते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आएगी 17.1 मीटर आती है आपकी। तो जो आपका ऑब्स्टेकल है वो एटलीस्ट कितना दूर होना चाहिए, 17.1 मीटर। ऑब्स्टेकल शुड बी मोर देन और इक्वल टू 17.1 मीटर, देन ओनली यू यू आर एबल टू हियर द टू एकोज, यू आर एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू एकोज क्लियरली, अदरवाइज आप क्लियरली उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, दोनों साउंड आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, आपको लगेगा नहीं कि दो बार साउंड आया। ओके तो ये सब हमने देखा था एको वाला, और हमने देखा था कि हम अगर डिफरेंट टाइप के जो साउंड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करते हैं, तो एक हमारा ऑडिएबल होता है, ऑडिएबल की रेंज क्या होती है, 20 to 20,000 20 to 20,000 hertz। जो इंसान के लिए ऑडिएबल है वो 20 to 20,000 है, और इससे ज़्यादा जो होती है यस उसको क्या सर। बोलते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो, इंफ्रासोनिक ज़्यादा अगर होगी तो सर, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रा मतलब ज़्यादा है ना, अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिलेटेड होती है, तो फ्रीक्वेंसी की ज़्यादा होती है, और अगर कम होगी इससे तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। सर डॉग्स वगैरह सुनते हैं इंफ्रासोनिक। अच्छा तो हाँ, मैंने अलग अलग लोगों का अलग अलग वो है, जानवरों का कोई अल्ट्रा के लिए वो है, कोई इंफ्रा के लिए बना हुआ है, तो देख लीजिएगा किस किस का क्या क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था ये सब।
फिर अल्ट्रासोनिक की कुछ एप्लीकेशन है क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यू कैन यूज़ फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, तो जहाँ पे आपको एनर्जी चाहिए होती है कहीं पे कुछ है ना जम्स को मारने के लिए या कुछ और कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे इनको यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा इसके क्या क्या हमारे यूजेस हैं अल्ट्रासोनिक के। हाँ सर फाइटर प्लेन वगैरह जो होते हैं सर वो भी तो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड। कौन जो हमारे बैट्स वगैरह होते हैं, यस सर, और सर जो जेट्स भी होते हैं फाइटर प्लेन्स। फाइटर प्लेन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उनसे जो निकलती है वो होती है या वो जो उसके लिए सर कम्युनिकेशन के जिनसे लिए यूज़ करते निकलती हैं, है जो निकलती है। सर, कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक जेट सर, वो पार कर देता है ना स्पीड को, जिससे उसको एक एक बूस्ट की साउंड आती है। सर बूम की साउंड जाती है, चलो मैक नंबर होता है उसका, उसकी स्पीड अगर साउंड की स्पीड हो जाती है, अगर जो आपका जहाज है वो 340 की स्पीड से ज्यादा चलने लगेगा तो उसको तब बूम बनता है हमारा, वो जो होता है ना अल्ट्रासोनिक बूम जिसे बोलते हैं। अगर ये यस लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज जाता तब भी होता है। तब तो हो ही जाएगा, जब साउंड से हो रहा है तब तो बहुत कुछ हो जाएगा, तब तो प्लेन ही गायब हो जाएगा आपका, किसी और उसमें पहुंच जाएगा। यस सर, पर सर डैमेज भी तो होगा उस कारण से। ऑब्वियसली है ना, तो वो बूम अलग चीज होती है। आई अल्ट्रासोनिक मेरे को लगता है कि अल्ट्रासोनिक उसको निकालता है, अल्ट्रासोनिक उसका जो वेव आती है एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब उनकी वो ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी वगैरह, और वो अल्ट्रासोनिक आपके रेंज में होती है माइट भी, तो अलग अलग केस होते हैं उसमें, बहुत सारे केस बनते हैं। आप जो एक्चुअली आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ोगे ना अभी 11th क्लास में तो आपको क्लियर होगा डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। हाँ जी सर जैसे कि सर वो मैंने एक जगह देखा था सर, उसमें दिखा रखा था जो प्लेन्स वगैरह होते हैं उनमें जो पायलट्स होते हैं वो सर हेडफोन वगैरह पहन के सर बात करते हैं, तो सर वो इस वजह से करते हैं क्योंकि जो प्लेन की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ होता है। आपस में जो बात करते हैं, मैंने यस सर, दोनों एक ही प्लेन में बैठे हैं और आपस में जो बात कर रहे हैं हेडफोन पहन यस के करते हैं सर, सर, अगर बराबर में भी बैठे हैं जब भी सर हेडफोन से बात करते हैं। नहीं इसलिए तो नहीं होता होगा कि स्पीड ज़्यादा है, आई एम नॉट श्योर बट मुझे लगता है इसलिए होता होगा, मुझे लगता है इसलिए होता होगा, काफ़ी शोर वोर काफ़ी होता है उसके अंदर जहाज वो कर रहा होता है, तो इसलिए भी यस शायद सर, वो कर। उसमें ऐसे लिखा था कि मतलब अगर ज़्यादा स्पीड है तो जितने में साउंड ट्रैवल करती है साउंड पीछे रह जाती है और प्लेन आगे चला जाता। अच्छा माइट बी आई एम नॉट श्योर, तो अगर है ऐसा लिखा हो तो मे बी हो सकता है, पर ऐसे शोर भी काफ़ी होता है अगर आप वैसे भी नॉर्मल बैठेंगे तो, इसलिए भी हो सकता है, लेकिन हाँ हो सकता है जो आप बोल रहे हो भी यस सही सर, है क्योंकि स्पीड काफ़ी तेज होती है। ओके एनीवे तो ये सब हमने पढ़ा था, उसके अलावा हमने सोनार पढ़ा था, सोनार क्या होता है आपका फुल फॉर्म, और साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना। तो सोनार में क्या करते हैं हम लोग यूजुअली जब हमें कोई वो निकालना होता है डिस्टेंस इन द सी या समथिंग, एक मिनट यार, तो हम सोनार वो भेजते हैं, साउंड वो भेजते हैं आपका सिग्नल भेजते हैं नीचे, टकरा के वापस आता है यस आपको, तो जाने का और आने का टाइम ये टी हो गया पूरा टाइम, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 2D, तो 2D इज वी इंटू टी, डिवाइड तो टी है ना, तो वहां से आप डी निकाल सकते हो 2 VT/2 करके, आपको डी चाहिए होता है यूजुअली ना कि कितना डेप्थ पे कोई आपका मान लो जहाज चल रहा है पानी का, तो यहाँ यस सर, नीचे कुछ डेप्थ पे कोई है, सरफेस कहाँ पर है या चट्टान है कोई रॉक है, तो वो आपको निकालना होता है डिस्टेंस, तो आप सिग्नल भेज के चेक कर लेते हो। यस सर, पता नहीं ये पेन हैंग कर रहा है। ओके तो सिग्नल भेज के आप चेक कर लेते हो कि कितना हो रहा है। यस सर, तो ये हमने सोनार पढ़ा था, और उसके अलावा हमने जो पढ़ा था इसमें वेव में हमने ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम भी पढ़ा था, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई रूट एल अपॉन जी। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 2π√L/g, ठीक है। यस अच्छा ये बताओ कि अगर मैं किसी पेंडुलम को अर्थ के सेंटर पे ले जाऊं तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सर, इन्फिनिटी, सॉरी सर, कैसे जीरो। जीरो या इन्फिनिटी,
सर 1/∞ तो 0 हो जाए, वो 1/0 इनफिनिटी, यस सर इनफिनिटी होगा। अच्छा बाकी लोग भी सोच लो, मैं क्या आंसर होगा बताओ। जी हमने देखा था सेंटर पे जी का वैल्यू कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले ग्रेविटेशन में, जीरो जीरो। तो अगर जी को जीरो पुट करोगे तो टी कितना आएगा? सर इनफिनिट। इनफिनिट मतलब क्या हुआ कि आपने पेंडुलम को छोड़ दिया तो नीचे ही नहीं आ रहा, मतलब बहुत धीरे धीरे नीचे आ रहा है, आ ही नहीं रहा, क्योंकि अभी जी है ही नहीं ना, तो उसको नीचे कौन लाएगा पेंडुलम को? आपने अगर एक एक्सट्रीम पे लाके छोड़ दिया तो जी के कारण तो नीचे आता है जब एम जी फोर्स लगेगा उस पर, राइट? यस सर। तो वहां पे अगर जी आपका जीरो है तो टाइम पीरियड हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, इज इट क्लियर? यस ठीक है। अगर हम पेंडुलम की लेंथ बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? सर इंक्रीज होगा। लेंथ बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, क्योंकि एल के रूट एल के प्रोपोर्शन है, तो एल को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा? सर रूट टू टाइम्स। रूट टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। ओके तो ठीक है, इसके अब जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके क्वेश्चंस, और जो अगला हमारा चैप्टर की थ्योरी है, एक चैप्टर हमारा जो 10th में आप लोग करते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी है यस सर। सर इसके एक सवाल है सर पेंडुलम से। बोलो सर, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर? हाँ लेंथ, एक्चुअली लेंथ डिपेंड करती है ना, लेंथ आपकी बढ़ जाती है जब आप yes, sir, ये क्वेश्चन भी आया था कि गर्मियों में अगर हम सिग्नल भेजेंगे रिमोट से तो वो जल्दी पहुंचेगा या देर में पहुंचेगा, अगर हम हाथ से ताली बजाते हैं और वो तब ऑन होता है कोई टीवी या रिमोट? वो तो अलग चीज है, तो ये कि साउंड की स्पीड गर्मियों में ज्यादा होगी या सर्दियों में ज्यादा होगी, है ना? यस सर, वो इसी कारण से सर, जैसे हमने ये क्लैप वाला था सर उसमें एग्जांपल की अगर हैंड से कोई चीज ऑन होती है उसकी क्लैप से तो कौन सी टाइम पे सबसे जल्दी होगी, गर्मियों में अच्छा। सर्दियों में या दोनों सेम टाइम पे होगा? तो सर इसको आप देख गर्मियों उसका आंसर था। पहले जैत का क्वेश्चन अलग है, जैत का क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम में क्या फर्क पड़ेगा, अगर लेंथ गर्मी होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सर पेंडुलम लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यस सर। घड़ी आपकी फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? सर स्लो स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो ज्यादा देर बाद टिक करेगा, तो घड़ी क्या होगी हमारी? स्लो हो जाएगी। नॉर्मल डिजिटल घड़ियों में थोड़ी होता है। हाँ मतलब पुरानी जो घड़ी थी वो पेंडुलम बेस्ड थी ना, तो वो स्लो हो जाती थी। यस सर। गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा फास्ट। सर्दियों में फास्ट हो जाएंगे, मान लो सेम आप घड़ी को मून पे ले गए तब भी फर्क पड़ जाएगा उसको पेंडुलम में। तो ये आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस जो है अगली बार डिस्कस करते हैं फिर और डिटेल में, राइट? यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग, बाय, थैंक यू सर।